मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। हम आपको बता दें कि बंडोल पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, ग्राम रहीवाड़ा में सुनील साहू की किराना दुकान में चार लड़के सोसाइटी का राशन खाली कर रहे थे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दिलीप पंचमेश्वर के मार्गदर्शन में महेश दुबे के द्वारा तत्काल मौके पर जाकर तस्दीक की गई। जो राशन दुकान बंडोल का ताला टूटा हुआ था, मौके पर ही पंचनामा तैयार किया गया और लक्ष्मण पिता श्यारलाल यादव उम्र 20, काशी भारती पिता विपतलाल भारती उम्र 25, देवेंद्र भारती पिता धनीराम भारती उम्र 20 निवासी रहीवाड़ा के मेले में पूछताछ कर सोसाइटी बंडोल सेल्समैन सुनैना जंघेला का नाबालिग लड़के के साथ सुनील पिता साहू पिता शिव प्रसाद साहू निवासी रहीवाड़ा की वाहन में बंडोल सोसाइटी की गल्ला चोरी कर सुनील साहू की किराना दुकान पर रहीवाड़ा बेचने गए थे। सिवनी से महमूद अंसारी की रिपोर्ट। कल शाम को 5:30-6 बजे सूचना मिली कि सुनील साहू की किराना दुकान रहीवाड़ा में उसके मीटर रोड से PDR का अनाज राशन का बंडोल का 3-4 लड़के उतार रहे हैं कि सूचना पर तस्दीक कराई गई। तस्दीक पर वहाँ पर 3 लड़के मिले जिनसे पूछताछ किए गए। उन्होंने बताया कि सेल्समैन जो सुनैना मैडम है उनका लड़का जो नाबालिग 16.5 साल करीब का है उसके द्वारा अपने साथियों से साथ मिलकर सोसाइटी से गल्ला चोरी किए और सुनील साहू के गल्ला दुकान रायवाड़ा में बेच रहे थे। उसके बाद मैनेजर्स को तलब किया गया, तस्दीक की गई और उसकी रिपोर्ट पर चारों आरोपियों एवं गल्ला खरीदने वाले के विरुद्ध 379, 411, 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और नाबालिग बालिक सहित किराना व्यापारी दुकानदार को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।